स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन लीनियरी क्वेश्चन से है। क्वेश्चन है अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय फोर, जब हम एक नंबर को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्सीड्स इटसेल्फ बाय 45, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले तो नंबर जो हमें पता नहीं है, हम नंबर को सपोज कर लेते हैं, तो नंबर हम एक्स सपोज कर लेते हैं कि जो नंबर है वो एक्स है। अब उसने कहा है कि व्हेन इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय फोर, जब हम एक्स को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर एक्स हो जाएगा, और जब हम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो खुद को एक्सीड करेगा। एक्सीड मीन्स एक्स जो है, जो फोर एक्स है वो एक्स से जो ओरिजिनल नंबर था उससे 45 ज़्यादा हो जाएगा। तो कंडीशन बनती है कि फोर एक्स क्या हो गया, व्हेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय फोर, तो ये बन गया फोर एक्स। एक्सीड होता है ज़्यादा हो जाना, एक्सीड्स इटसेल्फ बाय 45, तो ये खुद को कौन सा था, ये एक्स था, तो एक्स प्लस 45 हो गया, मीन्स फोर एक्स जो है वो एक्स से 45 ज़्यादा हो गया। तो ये कंडीशन बनी इसमें। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x को हम ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस x होगा 3x, तो ये जो 3 है वो इस तरफ लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो तो दूसरी तरफ ये डिवाइड करेगा, तो हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू 45 बाई 3 जाएगा 15। तो मीन जो नंबर हमारे पास है, जो नंबर है 15, तो जो नंबर था 15, अगर आप चेक करना चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। अब कंडीशन थी कि अगर हम 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 60, और हमारे पास जो नंबर था वो था 15, तो अगर 15 और 60 का आप डिफरेंस देखो तो 45 हो जाता है। तो बिल्कुल सही कंडीशन है कि अगर हम नंबर को 4 टाइम्स कर दें तो ये अपने आप से 45 ज़्यादा हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा 45। थैंक यू।